हे गाइस, दिस इज़ आदित्य। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी ओर से आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम अपना यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं, क्योंकि लोगो एक हमारी चैनल की पहचान होती है। तो बिना कोई वक्त गवाए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लोगो बनाने के लिए जिस एप्लीकेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्स आर्ट ऐप। तो ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हम पिक्स आर्ट ऐप पे क्लिक करते हैं। नीचे सबसे लास्ट में प्लस का आइकन होगा, उस पर क्लिक करें। प्लस के आइकन में क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो कलर बैकग्राउंड यहाँ पर वॉलपेपर है हर एक कलर के। तो मैं वाइट वॉलपेपर ले लेता हूँ। वाइट वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसको क्रॉप करना पड़ेगा स्क्वायर शेप में, तो हम क्रॉप के ऑप्शन पर दबाते हैं। फिर यहाँ पर स्क्वायर का ऑप्शन होगा नीचे, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर सबसे ऊपर टिक ऑप्शन होगा, इस पर टिक कर दें। टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक करें। तो जिस नाम से आपका चैनल हो तो उसके फर्स्ट लेटर ही आप यूज़ करिएगा। तो जैसे मेरा है टेक्निकल आदित्य, तो टी हम सबसे फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। फिर इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट देख लेते हैं। फॉन्ट फर्स्ट वाला सबसे बेटर होता है। और कलर देख लेते हैं, कलर ब्लैक हम ले लेते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने हिसाब का। मेरा यहाँ सेट हो गया। अब यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पर टेक्स्ट पे जाइएगा। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर ए सर्च करिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर आप कलर देख लीजिएगा। तो मैं इस बार रेड ले लेता हूँ, तो रेड के ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए रेड हो गया। तो हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर ये सेट हो चुका है। सेट होने के बाद यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ड्रॉ का ऑप्शन होगा, तो इस ड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर ड्रॉ पे ऑप्शन पे क्लिक करें। ड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कलर हम देख लेंगे। कलर यहाँ पर वाइट हम ले लेंगे, क्योंकि हमें शेप देना है थोड़ा अच्छा टाइप का। तो यहाँ पर फिल हम कर लेंगे। फिल होने के बाद यहाँ से ऐसा कट मारेंगे, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। पतला करने के बाद इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। रोटेट होने के बाद देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये लोगो। अब इसको थोड़ा गोल शेप में, मीन सर्कल शेप में इसको करेंगे, स्ट्रोक कर देंगे। स्ट्रोक करने के बाद यहाँ पर ऑप्सी साइज इसका थोड़ा पतला कर देंगे। ओके के ऑप्शन में दबाएंगे और यहाँ पर ऐसा टाइप का सर्कल रख देंगे। इस सर्कल का कलर हम ब्लैक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक हो गया। ये देखिए लोगो हमारा तैयार हो गया। तो आप इसको यहाँ पर ऊपर एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें। सेव के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद नीचे शेप का ऑप्शन होगा, फिर से आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिसमें आपको सेव करना हो, मैं गैलरी में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए डन हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और टेक्निकल आदित्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा मेरी अगली वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।